हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं बर्नौली प्रिंसिपल के एप्लीकेशन को लेकर। बर्नौली प्रिंसिपल में समझ में आएगा अगर कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। बर्नौली प्रिंसिपल यही कहता है कि द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एनर्जी इज पी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो वी स्क्वायर प्लस potential energy is rho gh, where p is pressure applied by the fluid on the object and rho is the density of the fluid, v is the velocity of the fluid and h is the height difference of an object. So if we are discussing about the Magnus effect is the difference in lateral pressure, the two pressure applied on the ball, the difference in lateral pressure which causes a spinning ball to take a curved path which is convex towards the greater pressure side is called Magnus effect. इसमें बोला गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट के अबाउट अगर हम प्रेशर चेक करें लेटरल प्रेशर, तो ऊपर प्रेशर और नीचे प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट और उस डिफरेंस की वजह से उस बॉल में या उस ऑब्जेक्ट में जो उसकी ट्रेजेक्ट्री जो उसका पाथ में चेंज होगा उस चेंज को उस कर्व पाथ को उस ट्रेजेक्ट्री को हम क्या बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। समझने की कोशिश की जाए तो देखो ये जैसे कि ये बॉल है, अगर हम एक बॉल को बात करें तो दिस इज अ बॉल, ओके दिस इज अ बॉल एंड अगर हम कहें कि इसकी सीम ये सीम है और इस बॉल को दो तरीके से घुमाया जा सकता है। इस बॉल को एक तो इस तरीके से घुमाया जा सकता है जिसे क्या बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, एक इसी बॉल को उल्टा घुमाया जा सकता है जिसे क्या बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब किसी बॉलर ने इस बॉल को फेंका, उस बॉल को जिस डायरेक्शन में फेंका वो जानी चाहिए थी यहां पे, जितना एंगल बना के फेंका उस एंगल के हिसाब से बॉल पहुंचनी चाहिए थी यहां पे और उस बॉल को उसने घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ध्यान से समझना इस चीज को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाया है तो बॉल कुछ इस तरीके से घूम रही है, बॉल कुछ इस तरीके से घूम रही है। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, बॉल घूमती है, तो उसके आसपास की एयर भी उसी के मोशन में घूम रही होती है, वो अपने आसपास एक सरफेस बना लेती है एयर का जो उसी के आसपास घूम रही होती है उसी डायरेक्शन में। ठीक, अब जब बॉल आगे जाएगी तो इसके आगे वाली जो एयर होगी वो इसके साइड से पीछे आएगी इसकी जगह भरने के लिए। ऐसे ही होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आगे जाता है तो जो आगे वाली एयर है वो पीछे आती चली जाती है एक स्पीड से। तो मान लो कि ये जो बॉल है ये बॉल जा रही थी v1 वेलोसिटी के साथ, बॉल जा रही थी v1 वेलोसिटी के साथ और एयर आ रही थी पीछे v2 वेलोसिटी के साथ। अगर हम इसमें देखें कि देखो बॉल ऐसे घूम रही है, अब बॉल आगे भी जा रही है, बॉल आगे जा रही है एयर पीछे आ रही है तो एयर की वेलोसिटी v2 है। अब इसमें दो डायरेक्शन बनेंगे, एक तो जब ऐसे बॉल घूम रही तो इसके नीचे की डायरेक्शन होगी, एक इसके ऊपर की डायरेक्शन होगी। तो जो इस बॉल के नीचे एयर है, बॉल की सरफेस वाली एयर की बात कर रहा हूं, फ्री एयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सरफेस से चिपकी हुई एयर है वो नीचे वाली डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मली फ्री एयर है वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो इधर ध्यान से, दिस इज अ बॉल और ये एक सरफेस बन चुका है एयर का इसके आसपास। अब बॉल भी ऐसे घूम रही है तो इसकी सरफेस की जो एयर है वो भी इस तरीके से घूम रही है, तो नीचे वाली एयर जो बॉल से टच है वो एयर और जो फ्री एयर है दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी जो बॉल से टच वाली एयर है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, मान लो v1 होगी। ठीक है, कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी, तो ये मान लो कि ये घूम रही है v1 वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं कि ये v1 वेलोसिटी के साथ घूम रही है। इसको अगर हम बात करें तो देखो बॉल जिस स्पीड से जाएगी, इसकी हम बॉल की रोटेशन की अगर हम बात करें तो ये जो वेलोसिटी है मान लेते हैं v1 वेलोसिटी है, बॉल की जो घूमने की वेलोसिटी है ये v1 वेलोसिटी है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी v1 वेलोसिटी रहेगी, तो ये बॉल जो घूम रही है v1 वेलोसिटी के साथ, तो मतलब यहां पे भी जो ये आएगा ये v1 आएगा। अब ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी नीचे की साइड में, इस बॉल के नीचे ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, जबकि ऊपर वाली साइड में अगर हम बात करें तो ये दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, एयर जा रही है पीछे की तरफ और बॉल के ऊपर वाली एयर जा रही है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों वेलोसिटी का माइनस हो जाएगा, तो VA is VA, A for above, above on the ball, ठीक है, above जो वेलोसिटी होगी टोटल वो होगी v2 minus v1 और ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये दोनों की ऐड कर देंगे VB equals to V2 plus V1। ओके,
ये जो हाइट है ये हाइट नेग्लिजिबल होगी, किसी भी बॉल की हाइट बहुत कम होती है तो नेग्लिजिबल होगी, तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें मिस कर दिया जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो बचा क्या हमारे पास, अगर अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं तो देखो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बचेगी ओनली। चलो ऊपर वाली साइड में लगाना, प्रेशर एनर्जी क्या होगी पीए जो कि अप्लाइड की जा रही है किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा ऑन द बॉल, प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर यहां पे जो वेलोसिटी होगी ठीक है वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पीबी जो नीचे से एक प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, पीए इज प्रेशर अप्लाइड ऑन फ्रॉम द अबव साइड एंड पीबी इज द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम द बिलो साइड, तो पीबी इज द प्रेशर प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर ठीक। अब समझने की कोशिश करना यहां पे कौन ज्यादा है, वीए ज्यादा है या वीबी ज्यादा है, जैसा हमें दिख रहा है कि शायद वीए कम है वीबी से, कम है या नहीं है, अगर VA VB से कम है और अगर इन दोनों का सम कांस्टेंट है तो मतलब ये वाला टर्म कम हो रहा है, अगर ये वाला टर्म कम हो रहा है तो इस टर्म को ज्यादा होना पड़ेगा, होना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है, तो PA इज ग्रेटर देन PB हो जाएगा, मतलब ऊपर से लगने वाला प्रेशर नीचे से लगने वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री ये थी वो ये ना होकर कि वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगी और बॉल जहां गिरनी चाहिए थी उससे पहले ही जमीन पे टच कर जाएगी। आगे बात समझ में, ये तो बात होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, किसकी बात होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये बात करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात, देखो एंटी क्लॉकवाइज मान लो ये बॉल घूम रही है V1 वेलोसिटी के साथ घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये आगे भी जा रही है, आगे जा रही है तो जिस वेलोसिटी के साथ आगे जाएगी उतनी वेलोसिटी के साथ एयर पीछे आएगी, ऑब्वियसली बात है इसमें भी हम इसको V2 लेंगे और इसमें भी इसको V2, जितनी वेलोसिटी के साथ एयर बॉल आगे जाएगी एयर भी उसी वेलोसिटी के साथ पीछे आएगी, ये तो बात है। तो देखते हैं जरा कि ये जब बॉल घूम रही है V1 डायरेक्शन में तो इसके आसपास की जो सरफेस बनेगी एक एयर की वो भी तो घूम रही होगी विद V1 वेलोसिटी। चलो अब देखो ऊपर वाली एयर इस डायरेक्शन में और बॉल के पास वाली एयर, ये वाली पास वाली एयर ये भी तो इसी डायरेक्शन में, यहां पे इन दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और क्या हो जाएगा VA इक्वल टू V2 प्लस V1, जबकि नीचे की तरफ बात करें तो इसकी वेलोसिटी क्या है ये V2 और इसकी वेलोसिटी क्या है ये V1 ठीक है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और वेलोसिटी हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन इसमें मायने रखेगा, तो यहां पे अगर हम देखें कि ये वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो मतलब वेलोसिटी क्या होंगी माइनस होंगी, तो वीबी अगर देखें तो वीबी इक्वल टू V2 माइनस V1, इतनी बात समझ में आ गई वीबी इक्वल टू V2 माइनस V1। तो अगर हम यहां पे समझने की कोशिश करें तो देखो जितना मुझे समझ में आता है कि वीबी VA इज ग्रेटर देन VB, बोलो VA इज ग्रेटर देन VB, और यहां पे देखें अगर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन VA वाला टर्म जीरो, VA वाला टर्म ज्यादा हो रहा है VB वाला टर्म कम हो रहा है, जब VA वाला टर्म ज्यादा हो रहा है तो PA वाला टर्म कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि PA इज लेस देन PB, क्यों, क्योंकि सर ये दोनों का सम कांस्टेंट होता है, इन दोनों का सम कांस्टेंट है तो अगर ये कम हो रहा है तो ये ज्यादा होगा, जिस केस में ये ज्यादा होगा उस केस में ये कम हो जाएगा, तो इस केस में क्या है ये ज्यादा हो रहा है तो ये कम होगा, तो PA इज लेस देन PB, इसका मतलब ऊपर से लगने वाला प्रेशर जो है वो नीचे से लगने वाले प्रेशर के कम होगा, अरे बात समझ में, तो नीचे से एयर प्रेशर अप्लाई ज्यादा कर रही होगी जिसकी वजह से इस बॉल को पहुंचना चाहिए था यहां पे, बट ये बॉल का ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और ये बॉल थोड़ा आगे जाके लग जाएगी, इस तरीके से बॉल की ट्रेजेक्टरी को बॉल के पाथ को एक बॉलर चेंज कर पाता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉल आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सेम चीज अप्लाई होती है कि अगर सर ये जो हमने रोटेशन लिया है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है ठीक है, अगर हम इसको वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेशन लें तो देखो इस तरीके से, बताओ होगा कि नहीं होगा, चलो समझना इस कोशिश को कि इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, अब ऐसे घुमाना ना ये तो इधर वाली वेलोसिटी ये इसके आसपास की एयर क्या होगी इधर जाएगी, अब पीछे से एयर कैसे आ रही है आगे से पीछे आ रही है तो इधर वाली जो वेलोसिटी होगी वो तो ऐड हो जाएगी, देखो ऐसे जा रही है ये इस तरीके से जा रही है तो एयर कैसे आ रही होगी पीछे आ रही होगी ठीक है, अब इसके पास भी तो एक सरफेस बन जाएगी एयर की, जब ये ऐसे घूम रही है या तो ये ऐसे घूम सकती है या फिर ये ऐसे घूम सकती है, समझ में आ रहा है, अगर ये ऐसे घूम रही है तो इसका मतलब इसकी एयर भी इस तरीके से घूम रही है तो यहां पे वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी और यहां पे वेलोसिटी माइनस हो जाएंगी, नहीं आया समझ में, एक बार और कोशिश करो, एयर ऐसे आ रही है
ठीक है, और ये इस तरीके से घूम रही है, तो इसके आस पास वाली एयर तो ऐसे जा रही है और वो एयर ऐसे जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव माइनस होगी, माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे वेलोसिटी को, और यहाँ पे वेलोसिटी ऐड होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो यहाँ पे वेलोसिटी ऐड है, इसका मतलब इस साइड से लगने वाला प्रेशर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? इस साइड वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो इस साइड प्रेशर कम होगा, इस साइड वेलोसिटी कम है तो इस साइड प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉल फेंकी ऐसे थी लेकिन वो जाएगी कैसे, इस तरीके से थोड़ा सा उधर डायरेक्शन में, ठीक है। और इसी से बनते हैं क्या, इनस्विंग और आउटस्विंग, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा दें, इसको ऐसे घुमा दें, तो अब इस तरफ वाली वेलोसिटी ऐड हो रही है, देखो देखो ध्यान से, एयर भी ऐसी आ रही है और ये इसके पास वाली एयर भी ऐसी आ रही है, तो इधर वेलोसिटी ऐड हो रही है दोनों एयर की, और इधर वेलोसिटी माइनस हो रही है। इतनी बात समझ में आई। इधर वेलोसिटी माइनस हो रही है तो इसका मतलब इधर वेलोसिटी कम है और इधर वेलोसिटी ज्यादा है। इधर वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो इस साइड क्या होगा, इस साइड से लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, और इस साइड से लगने वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉल इस डायरेक्शन चलेगी। बॉल फेंकी ऐसे थी, ठीक है, जानी चाहिए थी सीधे, बट सीधे ना जाकर के कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। तो जस्ट बॉल को रोटेशन करने के अकॉर्डिंग ही बॉल को इनस्विंग और आउटस्विंग कराया जाता है, या फिर बॉल का पाथ ऊपर नीचे किया जाता है। ये आई होप समझ में आया होगा। मैग्नस इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली प्रिंसिपल का, जो हाल ही समझना इतना आसान नहीं होता है, बट कोशिश की है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।